और अभी बज रहे हैं 2:20। अभी मेरा नहाना नहीं हुआ है क्योंकि सुबह से मैं साड़ी में पार लगा रही थी, नहीं दिखा पाई आप लोगों को। देखिए गाइस, मेरे मम्मी का बेडरूम में पोछा मारा हो गया है, अभी आएंगे डाइनिंग रूम में मारा हो रहा है। तो गाइस देखिए, बहुत देरी हो गई है आज पोछा मारने में, उनको अभी नहाना नहीं हुआ था। मेरा सुबह से काम करते करते सिलाई कर रही थी, तो अभी पूजा का टाइम है ना, इसीलिए प्रेशर ज्यादा, और घर की साफ सफाई भी जरूरी है। अच्छा लग रहा है, फूल खिला रहे के पेड़ सब हरे भरे हैं, पानी पा रहे हैं बोल के पेड़ सब हरे भरे हैं, और नीचे में सब पानी। मम्मी नीम फूल, नीम फूल नहीं, फूल नहीं बाबू, वो एक ये फूटा है देखो, क्या बोलते हैं उसका नाम नहीं पता है, वो जब जो पत्ता है दिख रहा है हाँ, जब कट जाता है कहीं तो उस पर लगाया जाता है, उसका रस तो बहुत काम करता है। अच्छा चलो अभी हम पानी रखे हैं, टाइम कल वहाँ लेने चलते हैं। तो गाइज चलिए चलते हैं टाइम कल पे पानी लेने, आप लोग को भी ले चलते हैं साथ में, आइए दिखाते हैं। मेरा भर गया है लगता है, ये देखिए तब से मैं रख के चली गई थी टाइम कल पे, और पानी मेरा ड्राम पूरा भर गया है। ये बाबू बल्टी लेके आते हो, अभी भर लेते हैं ला रहे हैं, मेरा स्नान होगा क्योंकि टाइम कल का पानी अच्छा होता है, और जो टैंकी का पानी है अच्छा नहीं होता है, इसलिए एक गेट ही सर दिया हाथ से। तो चलते हैं गाइस, पानी बनाने के लिए पानी डाल रही हूँ, टाइम टेबल का पानी से खाना बनता है, और पीने का तो आता है ये फिल्टर का पानी जरूरत है, क्योंकि अभी बारिश में ऐसे बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं आता है, टाइम टेबल कोई पीता भी नहीं होता। जा रहे हैं एक ड्रम भर के लेके आएंगे नहाने के लिए, ये नहीं हुआ है, खाना पीना बहुत जोरों की लगी है, लेकिन ऐसा हटाना, अभी बर्तन भी मेरे को मांजना धोना है। देखिए इडली बनाए थे उसको मांज धो के रख दी है बेटी, गैस कारिया कर दी है बेचारी, हम तो इतना व्यस्त रहते हैं, जल भी गया था इडली के लिए, बर्तन मेरा जल भी गया था, इडली बनाते बनाते हम लोग मटर आलू का माका माका जैसे घूंगनी टाइप होता है, क्योंकि उसको ऐसे पसंद है, राइस है दाल हम लोग को पसंद नहीं आता, तो इसलिए यही बना दी है, उसको जो पसंद है वो सब्जी कुछ खाती नहीं है बोल के, उसको जो पसंद लगा बना दी, मेरा क्या मैं तो खा लूंगी, मेरे को दही पसंद है, मैं दही से खाती हूँ, दही से सब्जी से चटनी बना लेंगे, कितने सारे चीज में रखी हूँ, अब बेटी का है तो वो तो सब्जी खाती नहीं, तो इसीलिए बच्चे अपने मनपसंद बनाई है, बेटा भी नहीं खाता है, बेटी भी नहीं खाती है, दोनों ही नहीं खाते हैं सब्जी हरी कुछ। जब वो लोग छोटा छोटा था ना तो मैं उन लोग को खिलाती थी, अभी वो लोग बड़ा हो गया है और मेरे को उतना टाइम भी नहीं मिलता है, अब वो लोग अपने मन पसंद ही खाता, तो
बर्तन मांझ के नहाएंगे और खाएंगे, इस वक्त फिर बैठेंगे सिलाई करने। पूजा के समय इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, टाइम से न खाने को मिलता है न सोने को मिलता है, क्योंकि नहीं देंगे सिलाई करके। आपके मना के कंप्लीट हो गया गाइस। देखिए बर्तन मांजने के बाद बेसिन भी मांजना होता है, क्योंकि ये भी तो गंदा हो जाता है ना। चार बजने जा रहे हैं और अभी मेरा खाना नहीं हुआ है, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो देखिए मैंने बोला ना बेटी बनाई है, और मैं जा रही हूँ अभी चटनी बनाने। नहीं, मूली का चटनी नहीं बनाऊंगी, मूली ऐसे काट के खाऊंगी, मेरे को बहुत पसंद है मूली ऐसे खाना। और मेरी टंकी का पानी आप लोग देखिए क्या अवस्था देख रहे हैं, कैसे पानी आ रहा है, कितना कचड़ा। इसलिए टंकी का पानी खाली बर्तन मांजने के लिए यूज करते हैं। देखिए अभी हम धनिया पत्ता धोएंगे, तो इसको हमें इसमें ही धोना होगा टाइम कल का पानी, क्योंकि टंकी का पानी अच्छा नहीं होता। तो और फ्रेंड्स बोलिए, मैं ब्लॉग दे रही थी बट कितना दिन से मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा अभी बोली ना सिलाई का थोड़ा प्रेशर है, तो इसी वजह से हम बंद कर दिए थे। लेकिन अब सोच रही हूँ नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे फैंस लोग को पसंद है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा वीडियो आप लोग देखिए ब्लॉग पूरा। मेरे वीडियो में कहीं कमी है तो प्लीज़ आप। सामग्री सब रेडी हो चुका है, जा रहे हैं पीसने। बहुत ही पसंद है मेरे को टमाटर और धनिया पत्ते की चटनी। तो किसको किसको पसंद है टमाटर हरे धनिया की पत्ते की चटनी, चटनी रेडी हो गई। इसको हम ज्यादा नहीं पीसेंगे, देखिए अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लगता है, ज्यादा महीन हो जाएगा नहीं पसंद आएगा। उफ तीखा तीखा क्या मतलब बोले ना, मेरा इसी से ही पेट भर जाएगा। गाइस देखिए मैं खाने बैठी हूँ, मेरा मेनू देखिए जैसे भी बनाई होगी टेस्टी ही होगा। अरे देखिए कच्चा मूली मुझे बहुत पसंद है। अरे देखिए मेरी हरी चटनी धनिया पत्ती के और टमाटर की। अरे देखिए कलमी साग भाजा और दही। ये दही में मैंने जो दिया ऊपर से एक काला नमक है, मेरे को काला नमक बहुत पसंद है, चीनी नहीं पसंद है। बहुत ही अच्छा बनाई है, क्योंकि उसको तीखा नहीं पसंद है और हमें तीखा बहुत पसंद है। और मेरी बेटी बनाई है, बहुत ही मिष्टी है, बहुत ही अच्छी बनाई है। फ्रेंड्स देखो बाय, अभी मेरा खाना कंप्लीट हुआ और देखिए घड़ी में कितने बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। तो अभी 4:30 बजे हैं और मेरा खाना कंप्लीट हुआ। देखिए बच्चे मेरे दोनों कैसे सो रहे हैं, और अभी आंटी आएगी, मैडम आएगी पढ़ाने 5 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं लोग को उठाने आई है, और देखिए आगे खराब हुआ है रास्ता का, आके देखिए पैर वैर धो के और आ रही है। संभाल के नीचे नहीं तो स्लिप करेगा। हाँ, वो स्लिप। तो मैडम एंट्री मारी है और बच्चे मेरे घुमा रहे हैं। ए बाबू मैडम पढ़ाने आ गई, उठो 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 उठो, मैडम पढ़ाने आई है, उठो। ये देखो मैडम बुला रही है। ए निधि, देखो बेटी भी सो रही है, मैडम पढ़ाने आ गई। ए बाबू निधि, बहुत ही अच्छा बनाई है, क्योंकि उसको तीखा नहीं पसंद है और हमें तीखा बहुत पसंद है। और मेरी बेटी बनाई है, बहुत ही मिष्टी है, बहुत ही अच्छी बनाई है। तो बाय, मेरी फ्रेंड्स खाते हैं। तो इनकी बेटी है देखो, वो भी रील्स बनाती है। तो ये लेने आई है, क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स हेयर है, पहन के माँ दुर्गा सजेगी। देखिए पहन के माँ दुर्गा सजेगी, वही लेने आई। देखिए शाम का नाश्ता, देखिए क्या है, डीम टोस्ट है, और बनाया कौन है, मेरा बाबू। चेस बाबू। तो बाबू के साथ चेस करके माँ बेटा चाय और नाश्ता कर रहे हैं डीम टोस्ट के साथ। देखिए अच्छा बनाया कि नहीं, देखिए अभी नाश्ता करके तो और बैठी हूँ मैं सिलाई करने। कुर्ती है रिपेयरिंग,
काम तो था, 4-5 ठो था और हो चुका है, लास्ट बच्चा है। और अभी एक साड़ी तो मैंने इधर में एक ये दे दिया है, देखिए अंदर से पैकिंग दे दिया है, और इधर भी एक दे देते हैं। तो गाइस देखिए अभी हम फाल बना रहे हैं साड़ी में। ये साड़ी मेरा पूरा देखिए इतना सा बाकी रह गया है। ये साड़ी पूरा ही थान का था, इसमें हमको ये बॉर्डर लगाना था। इधर देखिए एक तरफ लग चुका है और अभी इधर का लगना। 12 बज गए और अभी मेरा सिलाई चल रहा था, तो देखिए साड़ी में मेरा पूरा बॉर्डर लग के कंप्लीट हो गया। देखिए अच्छा से लगा भी है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए देखिए तो साड़ी में देखिए अच्छा से लगा है कि नहीं। देखिए ये मेरी फ्रेंड का साड़ी है, तो अभी इसका फॉल लगाना बाकी है। आप खाना बना रहे हैं, कितना बज रहा बाबू घड़ी में देखो? 12:01 1:08 हो रहा है रात के। अभी देखिए मेरा रोटी बन रहा है, परेठा नज़दीक लेकर आओ कैमरा। देखिए अभी परेठा बना रहे हैं, और उधर क्या बनाया है दिखा दो। आलू और भिंडी भाजा, क्योंकि आलू मेरा बेटी खाएगी, भिंडी हम खाएंगे और बेटा खाएगा। डिनर क्या है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग के डिनर में क्या क्या बना है। मेरे यहाँ देखिए परेठा रोटी और भिंडी का सब्जी बना है। तो गुड नाइट।